मैं शकूर नागानी, सचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नगर माजी नगराध्यक्ष कामटी। मैं पिछले दिनों मुजफ्फर भाई की अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म हाउस पर गया था। वैसे तो मैं मुजफ्फर भाई को पिछले 20-22 वर्षों से करीब से जानता हूँ। पहली बार मैं ये ज़मीन पर 1998-99 में गया था। जब वो ज़मीन मैंने देखा था, पूरी वीरान थी, बंजर ज़मीन थी, वहाँ पे किसी भी प्रकार की खेती या उपज नहीं होती थी। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में मुजफ्फर भाई ने उस ज़मीन पर, सारी ज़मीन पर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से वहाँ तालाब का, 9 तालाब का निर्माण किया तथा सोलार सिस्टम और अन्य उपकरणों के माध्यम से वो ज़मीन को जैविक पद्धति से विकसित करने का काम किया। आज उस ज़मीन पर मुजफ्फर भाई ने सब चीज़ हमको एक एक चीज़ दिखाया कि वहाँ पर विभिन्न राज्यों से फलों के झाड़ लाकर जिस वहाँ पे लगाया जाता है और उसकी उसकी फसल ली जाती है। जिस तरीके से गुजरात का मशहूर पेड़, मशहूर आम केसर को वहाँ लाकर वहाँ का फल निकाला जाता है, उसी प्रकार से गन्ना है, नींबू है, चीकू है, मौसम्बी है, संतरा है, अन्य कई फलों का वहाँ पे फलों का उत्पादन होता है। वैसे ही अनाज में चावल हो, गेहूं हो और भी तुअर दाल हो, कई ऐसे अनाज का भी वहाँ पे फसल की जाती है। आज पूरे विदर्भ के किसानों को, नागपुर ज़िले के किसानों को मुजफ्फर भाई के इस प्रोजेक्ट से, इस लाजवाब प्रोजेक्ट से प्रेरणा लेना चाहिए। यदि हमारे विदर्भ में हम कहते हैं